नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा, आपका फाइनेंशियल कोच। टैक्स फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने अब आयकर रिटर्न में बैंक खातों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार की जानकारी और वो जानकारी किस प्रकार दी जानी है और वो जानकारी ना देने पर आपकी आयकर विवरणी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों को आज हम जानने का समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। अब भारत सरकार ने आपके सभी प्रकार के बैंक खातों की जो एक वित्तीय वर्ष में आप किसी भी बैंक ब्रांच के हाथ मेंटेन कर रहे थे उनकी जानकारी आयकर विवरणी में देना अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके अकाउंट जितने भी बैंकों में हैं सभी खातों की जानकारी आपने अनिवार्य रूप से अपनी आयकर विवरणी भरते समय सही सही भारत सरकार को बतानी है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ज्वाइंट खाता भी है तो भी उसकी जानकारी आपने आयकर विवरणी भरते हुए भारत सरकार को देनी है। दोनों ज्वाइंट होल्डर्स को अपनी रिटर्न भरते हुए ये जानकारी भारत सरकार को प्रदान करनी होगी। अगर आपका कोई डोरमेंट अकाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर आप हेल्ड कर रहे थे, ऐसे खाते की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। आपका किसी पोस्ट ऑफिस में किसी NBFC में कोई अकाउंट है तो क्या उसकी जानकारी देना जरूरी है? तो दोस्तों, उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस या NBFC बैंक नहीं है, केवल बैंक खातों की जानकारी ही देना है। क्या केवल सेविंग अकाउंट की जानकारी देनी है? नहीं दोस्तों, आपको अपने हर प्रकार के खाते, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो करंट है, चाहे वो लोन अकाउंट है, सभी अकाउंट्स की जानकारी आपको देनी अनिवार्य है। क्या जो मेरे विदेशों में खाते हैं उनकी जानकारी देनी भी अनिवार्य है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, केवल भारत के अंदर जो आपके खाते हैं उनकी जानकारी प्रदान करना ही अनिवार्य है। विदेशी बैंकों की जानकारी यहाँ पे देना अनिवार्य नहीं है। अब अंत में सवाल ये आता है कि अगर मैंने अपने बैंक खातों की सही सही जानकारी अपनी आयकर विवरणी में नहीं बताई है तो ऐसी दशा में मेरी आयकर रिटर्न का क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की धारा 139 सब धारा 9 में ये प्रावधान है कि अगर आपने सभी खातों की जानकारी सही प्रकार से अपनी इनकम टैक्स विवरणी में नहीं दी है तो ऐसी दशा में आपकी रिटर्न को आयकर अधिकारी त्रुटिपूर्ण घोषित कर सकता है। तो ये थी जानकारी बैंक खातों के बारे में। इसलिए इस साल अपनी आयकर विवरणी भरते हमें ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से आपने अपने बैंक खाते अपनी आयकर विवरणी में दर्शाने हैं, ताकि भविष्य में आपको किस प्रकार के आयकर अधिकारी के आयकर पत्र के कारण कष्ट का सामना ना करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।